बड़ी खबर सामने आ रही है। पटियाला में हिंसक झड़प का ये पूरा मामला है। आरोपी बरजिंदर को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी बरजिंदर को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है और कड़ी पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें पटियाला से सामने आई थी उसके बाद से तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही थी। जो झड़प का ये मामला पटियाला में देखने को मिला था उसके बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है अब आरोपी जो है बरजिंदर उसको गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल खबर यही है कि 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उसको भेजा गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पटियाला में हिंसक झड़प का ये पूरा मामला है। इसके बाद से इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। जिस तरह से बार बार खालिस्तानी समर्थकों का नाम सामने आ रहा था, आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर एक माहौल क्रिएट किया गया, हालांकि अभी जहांगीरपुरी की हिंसा खत्म भी नहीं हुई थी उसको लेकर भी आरोपियों की धरपकड़ जारी थी, लेकिन दूसरा वाकया ये पटियाला में सामने आता है जहां पर हिंसक झड़प होती है। आरोपी बरजिंदर को कोर्ट में पेश किया गया है। मुख्य आरोपी यह बताया जा रहा है बरजिंदर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, यानी कि 4 दिन की रिमांड में सख्ती से पूछताछ की जाएगी और कई और नामों का खुलासा भी इसमें हो सकता है। तो यह बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है आरोपी बरजिंदर को और कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने लोग इस पूरे गैंग में शामिल थे और आगे क्या कुछ इनकी स्ट्रैटेजी थी। माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश लगातार की जा रही है।